सो गाइस आईपीएल 2024 का ऑक्शन बीत चुका है और गाइस ऑक्शन बीतने के बाद सभी टीमों को अपनी यहां पे टीम मिल चुकी है और टीम मिलने के बाद अब सभी टीमें यहां पे बनाने वाली हैं अपनी स्ट्रेटजीज। लेकिन गाइस आईपीएल 2024 के ऑप्शन के बीतने के बाद हम लोग बनाएंगे स्वॉट एनालिसिस। हाँ गाइस स्वॉट एनालिसिस करने वाले हैं और गाइस आज जो टीम यहाँ पे फ्रंट रनर है वो है 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और यहाँ पे बात कर ले तो आरसीबी। हाँ गाइस आरसीबी और मुंबई के बीच में स्वॉट एनालिसिस होगा, दोनों के टीमों की स्वॉट एनालिसिस करूंगा कि आखिर इस ऑप्शन के बाद कौन सी टीम बन चुकी है सबसे ज्यादा मजबूत। सो अभिभावक करना है वीडियो को अभी लेके पूरा इन टाइम तक देखना और जो लोग भी चैनल पे नए अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम जो स्वॉट एनालिसिस करेंगे वो आरसीबी की करेंगे। हाँ गाइस सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये 4 चीजों के बारे में बात होगी और आरसीबी की टीम की सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरसीबी की 22 यानी कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें आरसीबी ने इस बार के ऑक्शन में खरीदा था। तो गाइस अगर बात करें तो इन्होंने अल्जारी जोसेफ को सबसे महंगा खरीदा है, उसके बाद बात करें यश दयाल है, फर्गुसन है, टॉम करन है, चौहान है और एस सिंह है, यानी कि ये जो खिलाड़ी है इन्हें यहाँ पे आरसीबी ने खरीदते हुए नजर आए थे। और अगर आपने मैंने आपको पहले ही बता रखा था ऑक्शन स्ट्रेटजीज में ही बता रखा था कि आरसीबी ने अपने सभी बॉलर्स को यहाँ पे रिलीव कर दिया है और अपने बॉलर्स को रिलीव करने के बाद इन खिलाड़ियों को इन्होंने अपने टीम में शामिल किया। आप इनकी स्क्वाड देख पा रहे होंगे कि आरसीबी का अभी फिलहाल में स्क्वाड कुछ इस तरीके का दिखता हुआ नजर आ रहा है। और गाइस फाइनली अगर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ की। हाँ गाइस सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ की बात करेंगे। सबसे बड़ी यहाँ पे स्ट्रेंथ रहती है वो रहती है केजीएफ की जोड़ी, लेकिन आज की बात कर ले तो अब केजीएफ के जोड़ी में एक और खिलाड़ी जुड़ चुका है और गाइस ये जो खिलाड़ी है वो है ग्रीन। हाँ गाइस अगर बात करें तो कोहली, ड्यूप्लेसिस, ग्रीन और मैक्सवेल, ये 4 की जोड़ी अब यहाँ पे जमती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये चारों जो खिलाड़ी हैं वो इनके टीम के लिए सबसे बेस्ट साबित होंगे। तो गाइस अगर बात कर लिया जाए तो ये 4 खिलाड़ी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हैं। दूसरी स्ट्रेंथ जो इनके सामने निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है रजत पाटीदार की। हाँ गाइस रजत पाटीदार इस पूरे सीजन में अवेलेबल रहने वाले हैं, तो जो सबसे बड़ा कंसर्न था जो कि आरसीबी बीच में कोलैप्स करती थी वहां पर रजत पाटीदार के आने के बाद वहां पर हो सकता है कि काफी अच्छी तरीके से बैलेंस कर सके और गाइस ये यहाँ पे दूसरी स्ट्रेंथ निकल के आ रही है। सो गाइस हम लोग फाइनली अब जो बात करने वाले हैं वो वीकनेस की बात करने वाले हैं। हाँ गाइस सबसे बड़ी जो वीकनेस आरसीबी की निकल के आ रही है कि इनके टीम में कोई लेग स्पिनर ही नहीं है। हाँ गाइस आप पूरी टीम उठाकर देखेंगे तो लेग स्पिनर की जो कंसर्न है वो लगातार बना पड़ा है और गाइस आरसीबी की टीम में लेग स्पिनर की जो कमी है वो लगातार सामने आती हुई नजर आ रही है। हसरंगा को इन्होंने रिलीज किया, इनके बैकअप के तौर पर प्लेयर्स लेने की कोशिश की है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 22 इनका सही हुआ नहीं। दूसरी बात कल बात करें तो यहाँ पे ज्यादा इनके पास बैकअप ही नहीं है। हाँ अगर आप ऑप्शन उठा के देखेंगे तो ऑप्शन में ये इन्हें बैकअप लेने की जरूरत है, विराट कोहली का कोई बैकअप हो जाए, वैसे तो विराट का कोई बैकअप है ही नहीं लेकिन एक तरीके से बात करें तो अगर यहाँ पे एक आध दो मैच अगर कोई खिलाड़ी मिस करता है तो उसको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट करने वाला जो खिलाड़ी है वो इस स्क्वाड में आपको कमी दिखती हुई नजर आएगी और गाइस वो कंसर्न सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। तीसरी बात कर ले तो नॉट प्रॉपर बॉलर, अगर आप इनके स्क्वाड उठा के देखेंगे तो इन्हें चाहिए था एक सटीक अच्छा गेंदबाज। इन्होंने अल्जारी जोसेफ को 12 करोड़ में ले लिया जिससे आप T20 बॉलिंग में उतना ज्यादा आप यहाँ पे बोल नहीं सकते कि ये खिलाड़ी हमें मैच विनर ही बना के देगा, हमें लगातार मैच जिताएगा ही, तो वो जो वट पड़ने वाली सामने बात आती है वो यहाँ पे कमी है। और गाइस यहाँ पे फास्ट बॉलर का यहाँ पे बॉलर्स की ही यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिखती हुई नजर आ रही है। और गाइस फाइनली बात करने वाले हैं फिनिशर्स की, फिनिशर्स की आपको कमी देखने को मिलेगी क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भी आपको अपर ऑर्डर में ही देखने को मिलने वाले हैं, ग्रीन को भी ये ज्यादा से ज्यादा अपर ऑर्डर में ही दिखाएंगे। तो गाइस अगर यहाँ पे अपर ऑर्डर में खिलाड़ी है तो आप लोअर टेन में दिनेश कार्तिक को छोड़ दे रहे हैं और एज अ फिनिशर आप फिर से दिनेश कार्तिक के ऊपर ही आप पूरी तरीके से रिलाय करने वाले। तो क्या दिनेश कार्तिक उस तरीके का फिनिश कर सकते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत यही रहने वाला है। और गाइस इनकी 4थी वीकनेस सामने निकल के सामने आ रही है। जो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कहाँ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स मौजूद है। टेलीग्राम पे चले जाना है, टेलीग्राम पे क्यों जाना है क्योंकि वहां पे आपको भर भर के खबरें मिलती हैं, आपको अब तो आईपीएल की ही न्यूज मिलेगी, अब आपको शेड्यूल का यहाँ पे वेट रहेगा, चेन्नई और बाकी टीमों का कैंप कब लगेगा उसका इंतजार खत्म होगा, सब चीजों का आप धीरे धीरे करके वहां पे न्यूज आना स्टार्ट होगी। तो आपको जाना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में और मॉक ऑक्शन का फेज 6 स्टार्ट होने ही वाला है तो फटाफट जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए क्योंकि वहां पे आपको भरपूर यहाँ पे न्यूज मिलती हुई नजर आने वाली है इसके बारे में। हाँ गाइस अपॉर्चुनिटी देख लें कि इस टीम के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी सामने निकल के आ रही है। सबसे बड़ी आ रही है कि ग्रीन के पास सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि ये इस टीम को सबसे बेस्ट क्वालिटी फॉर्म में ले जाए।
अब ग्रीन के पास सबसे ज्यादा मौका यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है। दूसरी बात करें तो यहाँ पे फर्ग्यूसन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो खिलाड़ी जो कि 10 से 12 करोड़ में हर ऑप्शन बिकता था, इस बार अनफोल्ड होने के बाद सेकेंड राउंड में बिक रहा है, तो उस खिलाड़ी के पास है कि अपना खोया हुआ जो सम्मान है वो वापस पाए और बॉलिंग के दम पे इस टीम को ज्यादा से ज्यादा मैच जिताए। फर्ग्यूसन के ऊपर ये अपॉर्चुनिटी सामने निकल के आ रही है। तीसरे चीज की बात करें तो यहाँ पे जो न्यू टीम बन के तैयार हुई है, जो कि नए नए खिलाड़ी है, बॉलर्स है, अब उन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार है कि इस टीम को काफी अच्छे से निकाल के और टॉप लेवल पे ले जाए। तो गाइस ये जो है ये तीन अपॉर्चुनिटी के सामने निकल के आ रही है। तो गाइस फाइनली जो बात करने वाले अगले चीज के बारे में, तो थ्रेट्स यहाँ पे यही सामने निकल के आ रहा है कि कुछ प्लेयर्स का यहाँ पे एज फैक्टर निकल के आ रहा है। वो विराट कोहली को लेकर T20 में विराट कोहली है। उसके बाद बात कर लिया जाए तो यहाँ पे फाफ डु प्लेसिस है, फाफ डु प्लेसिस आपके कप्तान है। अभी लगातार फिलहाल में बात करें तो सर्जरी के बाद आएंगे, तो कैसा इनका फॉर्म रहेगा, कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, ये सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है, तो एज फैक्टर है। दूसरी चीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ग्रीन को जो किडनी का डिजीज हुआ है, यानी कि ग्रीन की बात करें तो जो इनको किडनी में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें थी, क्या उसके वजह से पूरे सीजन में अवेलेबल रहने वाले हैं, ये सबसे बड़ा कंसर्न बना है और ये सबसे बड़ा थ्रेट सामने निकल के आ रहा है। तो गाइस ये था यहाँ पे आरसीबी का पूरा स्वॉट एनालिसिस जो कि इस बार के आईपीएल ऑक्शन के बाद सामने निकल के आ रहा है। तो गाइस फाइनली हम बात करने वाले हैं 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस की। हाँ गाइस मुंबई की हम लोग बात कर लें तो इनकी जो बाय रहने वाली है वो मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्रिलेट कॉर्फी को लिया है, उसके बाद मनुशंका को लिया है, उसके बाद यहाँ पे तुषारा को लिया है, नबी को लिया है, श्रेयस गोपाल शर्मा को लिया है, धीर और यहाँ पे कंबोज। तो गाइस ये जो खिलाड़ी है इनको यहाँ पे मुंबई लेती हुई नजर आ रही है। और गाइस मुंबई की बात करें तो इस बार का ऑक्शन सबसे ज्यादा बेस्ट टीम की गई थी वो मुंबई इंडियंस का ही जाता हुआ नजर आया था। मात्र 15 करोड़ के ही पर्स में इन्होंने काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को खरीदते हुए नजर आए थे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ की बात करने वाले हैं, तो इनके पास अब क्वालिटी बॉलर्स हो गए बुमराह, कॉडजी, मधुशंका और नुवान तुषारा। तो गाइस ये जो 4 क्वालिटी गेंदबाज हैं वो इनके टीम में अब शामिल हो चुके हैं। और यहाँ पे जो मुंबई की दिक्कत थी पिछले बार कि बुमराह मुकाबले खेले नहीं थे, उसके बाद यहाँ पे आर्चर लगातार फिटनेस से इशू था, तो बॉलिंग का प्रॉब्लम था, और वही सेम चीज यहाँ पे इन्होंने उसका पूरा समाधान कर दिया है और इनकी बॉलिंग भी काफी मजा यहाँ पे मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो गाइस फाइनली बात करने वाले हैं इनके पास बैटिंग तो टॉप क्वालिटी की है ही। आप ऊपर से देखेंगे स्काई, नीचे आएंगे अब तो हार्दिक भी आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पे टीम डेविड, यानी कि इनकी बैटिंग काफी अच्छा फ्लो निकल के आ रहा है। और ये खिलाड़ी एक बार टिक जाएंगे तो ये मसल के रख देंगे सामने वाली टीम को, ये चीजें निकल के आ रही है। ग्रेट फिनिशर है यहाँ पे इनके पास, अच्छे फिनिशर है डेविड और पांड्या की जोड़ी, जो कि इनके फिनिशिंग को काफी अच्छा टच देती हुई नजर आने वाली है। तो भाई फाइनली बात करने वाले हैं वीकनेस की, तो वीकनेस वही है कि हो सकता है रोहित शर्मा इस पूरे सीजन में खेलते हुए ही नजर ना आए। अपने 2-3 यहाँ पे रिपोर्ट्स को मैंने आपको दावा करके बताया था कि वो दावा क्या कर रहे हैं कि रोहित शर्मा ऐसा हो सकता है कि ये पूरे सीजन में खेलते हुए नजर ना आए। अब देखना होगा इस पे कितना ज्यादा पर्दा है, क्या चीजें हटती है, क्या सामने आती है, लेकिन फिलहाल यही चीज सामने निकल के आ रही है। तो भाई फाइनली बात करने वाले अपॉर्चुनिटीज के पास, तो यहाँ पे निहाल वडेरा और तिलक वर्मा के पास चांस है कि अपना एक बेहतरीन यहाँ पे अपना मुंबई के लिए अपना पूरा सीजन बिताए और टीम इंडिया में अपनी कंफर्म जगह बनाए। अब इनके पास, इन दोनों खिलाड़ियों के पास सबसे बड़ा यहाँ पे यही अपॉर्चुनिटी सामने निकल के आ रहा है कि यंगस्टर हैं अपना, जो कि बात करें तो काफी टॉप लेवल पे अपनी टीम को ले जा सकते हैं। तीसरी चीज की बात करें थ्रेट्स की, तो थ्रेट्स की अगर बात करें तो वही है कि लेग स्पिनर का कंसर्न बना हुआ है। आपने गोपाल को लिया है, पीयूष चावला को लिया है, यानी कि उन खिलाड़ियों के बूते आप जाने वाले हैं एज अ लेग स्पिन, जिनके ऊपर यहाँ पे थोड़े से दिक्कतें हो सकती हैं। पीयूष चावला ने आपको पिछले सीजन में अच्छा करके दिया था, लेकिन क्या इस सीजन में अच्छा करेंगे, क्या लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। श्रेयस गोपाल आप उतना बिलीव कर नहीं सकते। तो ऐसे में बात करें तो जो एक एक्सपीरियंस लेग स्पिनर की जो कमी रहती है वो इस टीम को सामने आती हुई नजर आएगी, और ये थोड़ा सा थ्रेट यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है। लेकिन ओवरव्यू बात करें तो इनकी टीम काफी ज्यादा मजबूत, काफी ज्यादा सेटल, काफी ज्यादा बैलेंस, सब चीज दिखती हुई नजर आ रही है। और गाइस इस तरीके की बात करें तो ये है मुंबई इंडियंस का स्वॉट एनालिसिस जो कि इस सीजन में दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस ये थी इन दोनों टीमों की यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस, आरसीबी और मुंबई की, जो कि मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बता दिया। तो गाइस फाइनली आप बताएगा कि आपके लिए कौन सी खबर सबसे अच्छी, आप जरूर बताएगा कि कौन सी टीम मजबूत है इन दोनों टीमों में। अपनी राय कमेंट करके शेयर करते हैं।